रेशमा रोहन को उठा ना जरा। हाँ मम्मी। पागल है क्या? पानी क्यों डाल रही है? मैडम बस मम्मी को बुला रही है। माँ ये क्या है? भिंडी की सब्जी। आपको पता ना मैं नहीं खाता। जो घर में पड़ा था आज मैंने वही बनाया रोहन। अगले कल से मैं तेरे पसंद का नाश्ता बनाऊंगी, अभी के लिए खाता हूँ। मैं ये नहीं खाने वाला। रोहन क्या नाटक है? जो है वही खाना पड़ेगा। खाना तो खा ले, चला जा। नहीं मैं नहीं खा रहा। कैसे हो? मैं आनंदित हूँ प्रभु में। और तुम बताओ? मैं भी अच्छा हूँ। अच्छा चलो घर चलते हैं। नहीं यार ऑफिस का काम है, पहले वो खत्म करती हूँ फिर चलते हैं। नहीं 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 पहले घर चलेंगे उसके बाद काम। अच्छा चल। और ग्रेस सफर कैसा था? बहुत अच्छा था यार, बस इंतजार कर रही थी मुंबई आने का वापस। Thank you.
देखो कौन है। कौन है? मेरी दोस्त ग्रेस। प्रेज लॉर्ड आंटी। प्रेज लॉर्ड ग्रेस। कैसे हो? प्रभु में आनंद। हैदराबाद से कब आए बेटा? आज ही मैं आई और सीधा मुझे रोहन इधर लेके आ गया। ठीक है कोई बात नहीं, आ जाओ नाश्ता कर। सर क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे? ये सब क्या है? मैं अभी उठाने वाली थी, उस समय तुम लोग आ गए। तुझे सच में थोड़ी भी समझ नहीं है? क्या सोच रही होगी वो कि घर में थोड़ी भी साफ सफाई नहीं रखते तो हमेशा मेरी इज्जत खराब करती है। अरे हाय, मैं अभी आ ही रहा था। मैं मोबाइल नहीं आई, कोई गलती नहीं। अच्छा ठीक है। आज कंटाल मार रहा है अपन को। हाँ भाई, अपुन के पास भी पैसा नहीं है कि जाके माल खरीद के लाए। रुक, रोहन आ रहा है, उसे पैसा दे। अरे पैसा नहीं है, अरे सच्ची पैसा नहीं लेके आया। अरे इतना मस्त मिला, कब लिया? पैसा लगता है, मस्त है यार। भाई उधर देख, अपनी हीरोइन आ रही है। सर चल, इनकी तरफ ध्यान मत दे, इन लोग का रोज का नाटक हो गया है। तुम लोग को ना चप्पल से मारूंगी। ले लो, ये लो कि कोई सा विजय शुरू हो गई। इधर भाई, इधर देख, ये ना तेरे को ना पसंद है। चेहरा देखा अपना, चल इनके मुंह कैसी लगी? अच्छी है लेकिन बहुत ही कम है। क्यों नहीं देगी? चेहरे में कोई कमी है क्या? हीरो दिखता है बिड़ू सच्ची। और कैसी ग्रेस? आशीष, आप बताओ। मैं भी बहुत आशीषित। और बताओ हैदराबाद से कब आए? ऑलमोस्ट 1 month हो गया। 1 month हो गया और आप आज आए हो मिलने के लिए? आज के ऑफिस का काम था, थोड़ा बिजी थी। और मुंबई आके इतने दिन हो गए, 1 month हो गए और आप चर्च भी नहीं आए? एक्चुअली मेरा जो हैदराबाद में ब्रांच है चर्च का, उसी में मैं जा रही हूँ। फिर भी आपको आना चाहिए था। सॉरी। अच्छा एक बात करनी थी आपसे, आप रोहन को तो जानते ही होंगे ना? रोहन को वो एक दो बार हमारा कलीसिया भी आया है। हाँ बट उसका फेस मुझे याद नहीं है। एक्चुअली उसे समझाना था, वो थोड़ा भटक गया है, तो उसको यहाँ बुलाऊंगी तो चलेगा ना? हाँ उसे संडे को बुलाओ और हम उसके लिए प्रेयर करते हैं। ठीक अच्छा ठीक है। और आपका काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा सुनो ना, मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। नहीं नहीं आप बैठो, अभी रिया और सोनम भी आने वाली है प्रेयर के लिए, फिर उसके बाद मिल के चले जाऊंगा। एक काम करते हैं ना, हम लोग कल या फिर संडे को मिल लेंगे। Praise the Lord, ma'am. अंदर आओ। कैसे हो? ठीक है मैम, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ रिया, टेंस में लग रही हो? कुछ नहीं मैम, बस ऐसे ही। ऐसे ही कैसे, टेंशन में लग रही हो? कुछ नहीं बस ऐसे ही। हाँ मैम, थक गए पूरे दिन में। धन्यवाद।
माँ मुझे एक नया मोबाइल चाहिए। क्यों, तेरे पास तो है तेरा अपना फोन। ये डबा फोन यूज करके मैं क्या करूँगा? क्या डबा फोन? तेरे इतना था ना, मेरे पास वो भी नहीं था, हमने तुझे ले लेके दिया है। ये आईफोन का जमाना है, आपके जैसे 90s का नहीं। चुप कर, कोई फोन नहीं मिलेगा, खुद कमा और खुद ले। हाँ ले लूंगा। ठीक है ले लेना। हाँ देखो अरे यार, कल पापा से मोबाइल मांगा, बोलते हैं जो है वही यूज कर। अरे यार क्या उम्र है घर से मांगने की, अपन को देख कुछ खरीदता है। अरे पर मैं पैसा कहाँ से लाऊं? हम लोग कहीं को है क्योंकि निकल रहे। ये ले, ठीक है माल है, सुन इसको बेच और पैसा कमा। सच बोल रहे लो, हम लोग साल भर में ना करोड़पति बन जाएंगे, समझा? फिर मोबाइल क्या, कार भी लेके घूमेगा तू, और तेरे माँ बाप ना तेरे पे नाच करेंगे, समझा? ये ले और शुरू कर बेचना। भाई उधर देख, सेटिंग लगा दो ना, और इसकी भी। और रोहन तू डरना मत। हम लोग अरे मैडम लोग कहाँ जा रहे हो जो इग्नोर करके आप? हटो इडियट्स। कहाँ? इधर को देख, ये अपन का सुखी है ना, तेरी बंदी को पसंद करता है। तू मेरे दोस्त को पसंद करती है ना? चेहरा देखा आपने? अरे वो दिखता ऐसा है, दिल का बहुत भारी है। चल सुखी प्रपोज कर। देख अपन से शादी वाला रानी बना के रखूंगा। अरे क्या ची, देख कितना अच्छा दिख रहा है और नाम भी भारी, सुखी रिया। अरे दोनों मिलकर सुखी रहो ना। मेरे बारे में क्या ख्याल है? एक कान के नीचे दूंगी, समझा ना, लिमिट में रहे। तू चल यहाँ से। अरे रुक, दुनियादारी से साला अपना दिमाग खराब हो गया, दिमाग का बोले ना बीसी हो गया। क्या भाई क्या बोल रहा, आ गई ना तेरे पास? अरे बहुत दिन से ढूंढा था भाई, इधर की तरह मिला भी नहीं आज। पहले बोला चाहिए ना तेरे को। अरे भाई तेरा नंबर ही ना तो किधर कांटेक्ट करता था मैं। अरे नंबर है ना, अभी इधर आता है ना, मैं हमेशा शाम को लेके जाने का। अब भी देखा भाई तेरे को आज शाम को, ये बट मेरे पंटर ने बताया ना भाई तू इधर पे रहता है। हरी पत्ती लाएगा तू बात करने? अरे हरी पत्ती लेके आना भाई, मारे ना देखो, निकाल पैसा। अरे ले भाई पैसा, माल अपने को ठीक ठाक चाहिए भाई, अपना माल आगे तक जाता है क्या? क्या इतना कम? अरे भाई कम क्या, अभी आपसी क्या बात नहीं भाई, अपने को बोले ना बोल, समझा ना? अरे थोड़ा गोरा रंग थोड़ा काला कर, समझा क्या? मारते पीटते मुझे। अरे हेलो मैम, प्लीज लॉर्ड प्लीज मैम, एक्चुअली आज आपके घर रोहन को बुलाओ तो चलेगा ना? हाँ लेके आ जाओ, हम मिलके उसके लिए प्रेयर करेंगे। ठीक है, ओके बाय।
और कैसे हो? ठीक है। अच्छा ग्रेस, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया है। अभी कौन सा काम है? अरे समझना थोड़ा। चलो मैम मैं चलता हूँ। ये आपके साथ था? हाँ, वो भी विश्वासी है, बस भटक गए थोड़ा। बहुत ही भटक गया। अच्छा तुम दोनों इसके लिए परेशान थे क्योंकि ये लड़के तुम्हें छेड़ रहे थे? एक्चुअली हाँ मैम, हुआ ऐसा कि कॉलेज से हम निकल रहे थे तो वहाँ पे रोहन और वो सब खड़े थे, उनका ग्रुप, उसमें से हम लोग को छेड़ रहे थे और है ना। हाँ फिर उसने, उन लोगों ने भी हमारा रास्ता रोक दिया, फिर हाथ भी पकड़ लिया, फिर हम लोगों ने चप्पल भी मारा, फिर भी वापस से वही रिपीट करते हैं। और ये लड़का उन लोग के साथ रहता है और हमें छेड़ते आते टाइम। तुम दोनों उसको माफ कर दो, वो अच्छा लड़का है, बस गलत दोस्तों की वजह से अब भटक गया। उन्हें इग्नोर करो और उन्हें माफ कर दो। ओके मैम, आओ हम उसके लिए काम करें। ठीक है मैम, फिर हम चलते संभल के जाना। यस। और सीता ना रोहन को बुला के बात करना ही पड़ेगा। ठीक है फिर ये संडे को आप उसे बुलाओ और उसके लिए हम लोग मेकअप तैयार। अभी मैं निकलती हूँ कुछ। हाँ जी कितने बार बोला है मेरा फोन मत ले, समझ नहीं आता तुझे? डूब क्या रखे? मैं सिर्फ गेम खेल रही थी। चुप, क्या कर रहा है? ऐसा क्या किया उसने जो तू उस पे हाथ उठा रहा है? तुम चुप रहो। सुनते हो रोहन दिन-ब-दिन बिगड़ता ही जा रहा है। मैं क्या करूं, अब वो इतना बड़ा हो गया है, उसे सही और गलत की समझ आ सके। पर हमारा फर्ज बनता है कि हम उससे सब ठीक है, मैं उससे बात करूंगा। रोहन क्या हुआ, कल तूने इसको हाथ उठाया? तो मेरे मोबाइल क्यों लेती है फिर? मैं सिर्फ गेम खेल रही थी पापा। तो क्यों लेती है, दोबारा हाथ नहीं लगाना। रोहन कैसे बात करते हैं? पापा मेरा दिमाग मत खराब करो। क्या बोला? क्या रोहन पापा से ऐसी बात करते हैं? यार तुम लोग मुझे पकाओ मत। कहाँ जा रहा है? काम है। सुना तुमने रोहन कैसी बात कर रहा है? इसलिए उसे बात नहीं करना चाहता। जाने दो, तुम पे वो थोड़ा बटर तो थोड़ा नहीं बहुत। ठीक है चलिए नाश्ता। आ जाता है।
देख, तू मुझे उनका अगर नाम बताएगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। सर मुझे जान दो, मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूंगा। नाम बता, कहां से लाता है, किसको बेचता है? सर मैं नहीं जानता उनको। बताओ ना, 30 नहीं दूंगा। बता दो। हेलो, अरे क्या कुछ भी ऐसा फालतू मत कर। वापस आ, हम लोग मिलते हैं, ठीक है? आज मिलते हैं हम लोग। हम प्रार्थना करेंगे कि यीशु मसीह पर विश्वास कर, सब ठीक होगा। ठीक है, लेकिन इंतजार करती हूँ। मैं ठीक नहीं हूँ, मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। कोई नहीं है मेरे साथ, यीशु ने भी मुझे छोड़ दिया है। मैं बहुत सच्ची में मुसीबत में हूँ, कौन मुझे छुड़ा सकता है? प्लीज मेरी मदद कर। हम जरूर तुम्हारा मदद करेंगे। मैं प्राची मैम, अपोस्टल जी, पास्टर से, इनफैक्ट पूरी कलीसिया तुम्हारे लिए प्रे कर रही है, और तेरा सहायता यीशु मसीह से आता है, जो स्वर्ग और धरती का मालिक। आमेन। प्राची मैम, आपसे कुछ बात करना चाहिए। रोहन, प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करते, आज आपका छुटकारे का दिन है। आज डरो मत, प्रभु यीशु मसीह आपसे अनंत काल प्रेम करते हैं। वो ना ही आपको कभी त्यागेंगे, ना ही कभी छोड़ेंगे। बाइबल में एक जगह ऐसा लिखा है, एक जवान यीशु मसीह के पास आया और प्रभु यीशु मसीह ने उससे प्रेम किया। वही प्रेम प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। आप सोचते होंगे कि मैंने पाप किया है, मैं इसके योग्य नहीं हूँ, मैंने बहुत सारी गलतियां की, पर यीशु मसीह ये नहीं देखते। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। आप जैसे भी हो वैसे ही प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करते हैं। क्या यीशु मुझसे प्रेम करते हैं? क्या उन्होंने मुझे तिरस्कार नहीं किया? क्या मैं उनके प्रेम के योग्य हूँ? हाँ, यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। जब आप अपने पापों का पश्चाताप करोगे और हरे के पापों को त्यागोगे और हरे के पापों की कबूली करोगे और आप प्रभु यीशु मसीह के पास आओगे। और अगर आज तूने अपने पूरे दिल से पश्चाताप करके अपना खुद का 100% अगर तूने यीशु मसीह को सौंपा, तो परमेश्वर यीशु मसीह तुझे तेरे सारे बुरी मुसीबत और बुरे लतों से बाहर निकाल देगा। यीशु मुझे क्षमा कर, मैंने आपके विरुद्ध जो भी पाप किया मुझे क्षमा कर। मैं आपसे दूर भागा, मैं वापस आपके आता हूँ, एक उड़ाऊ पुत्र के समान में आपके पास आता हूँ। धन्यवाद।
से कोई नई सृष्टि हो। पुरानी बातें सारी बीत गई दोस्त, अब तो सब कुछ नहीं हो रही है। पर याद रखना ये संडे जरूर कहीं से आना, क्योंकि तेरी चंगाई, छुटकारा और आजादी सब कहीं से मिली है। हाँ, पिता हम नहीं जानते इस सारे शहर को हम कैसे जीते, सारे शहर को केवल अपने माँ को बोला से विनती करने लगा और सारे लोगों को जीते को मुझे मेरा यीशु लेके जाता है। कब? जब मैं बढ़ता हूँ। जोर से बोलो ना, मैं बढ़ रहा हूँ। चिराके बोलो ना, मैं जोर से बोलो ना, मैं बाजू वाले से पूछो आप बढ़ रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है, आप बढ़ रहे हैं। और पूछो ना पिछले हफ्ते किधर थे, बढ़ने वाला हर संडे इधर दिखेगा। हालेलुया, ये तो लोग सुन रहे हैं। और मरे हुए कामों से मन फिरा, मरे हुए कामों से झूठ बोलना मरा हुआ काम। हालेलुया, टोपी लगाना, जेल जाना नहीं चाहिए। क्यों गया? क्योंकि आपका दोस्त गलत है। संगति आपको उन्नति लाता है, जो संगति उन्नति नहीं लाता छोड़ दो वो संगति, नहीं चाहिए मुझे। जो मुझे यीशु से दूर ले जाता उसको मैं दूर खड़ा करेगा, मुझे पढ़ देगा। जोर से बोलो, मैं पढ़ूंगा, मैं उन्नति पाऊंगा। रोहन कैसे हैं सर? आपका नाम आपके लिए यीशु मसीह के बारे में जानते हैं? यीशु मसीह जिंदा खुदा है, जीवित परमेश्वर है। आप उसके लिए ये आशीष पाएं। सभी पुत्र में देख हम प्राप्त करना सभी का धन्यवाद के रूप में आपने दे पाऊं जवानी में अपने जीवन के लिए आपको देकर कार्य करने के लिए सारी नशा सारी आदतों को नष्ट कर यीशु मसीह आपकी आदत से आशीष कर यीशु के नाम से मांग कर सुन पाओ। मम्मी पापा, मुझे आप तीनों से कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो बेटा। मुझे माफ कर दीजिए, जो भी मैंने गलत आपसे व्यवहार किया, मैंने आप लोगों को उल्टा बोला, आप लोगों का तिरस्कार किया, मुझे सब चीज का क्षमा कीजिए। मैं गलत राह में पड़ गया था, मेरे गलत दोस्त बन गए थे, गलत संगति में चला गया था। मुझे अभी पता चला कि मैं गलत है और मुझे उस पाप का दुख है। परमेश्वर ने मुझे बताया सही राह दिखाया, मुझे पता चला, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, हम आपको माफ कर देते हैं। तो सुधर गए हैं, हमारी वही बड़ी बात है बेटा। तुम भटक गया था, वापिस आ गया, वो बड़ी बात है हमारे लिए। फिर भटक मत जाना। हाँ। गलत संगति में मत बना, प्रभु में बना रह। यस, यही सब चाहते हैं हम। मैं वापस वो गलतियां नहीं करूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम लोग भी यीशु में आओ, यीशु उनसे बहुत प्यार करते हैं। मैं यीशु में गया, मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई। मैं अब अच्छे गलत का समझे मुझे, और ये गंदे काम छोड़ दो, ये ड्रग्स का नशे करना, ये सब गलत काम छोड़ दो। चल 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 चल, बैठ बैठ जल्दी।